हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये कॉटन फैब्रिक है। तो सबसे पहले इसमें हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो टॉप के पार्ट के लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है। इस तरह से देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड लिए हैं फैब्रिक के और लेंथ इसकी मैंने 15.5 इंच ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तैयार मुझे 14.5 इंच चाहिए। अभी मैंने फ्रंट और बैक के लिए अलग अलग पीसेस लिए हैं। तो जो फ्रंट का पार्ट है उसे हमें फ्रंट में कट करना है, तो हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे और जो बैक का पार्ट होगा उसे हम इस तरह रखेंगे। फ्रंट के पार्ट को हाफ इंच बढ़ा के रखना है इस तरह से। तो नीचे का पार्ट हमारा फ्रंट का है और ऊपर वाला पार्ट हमारा बैक का है। मैंने फ्रंट पार्ट को हाफ इंच बढ़ा के रखा है और ऊपर से हम इसे थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। जो कपड़ा अनइवन है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसके बाद हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो जो बंद साइड है, हाफ इंच पहले हम छोड़ लेंगे और यहाँ से हम मार्क करेंगे शोल्डर। तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आर्म होल भी हम 6.5 इंच ही लेंगे। तो यहाँ भी मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसके बाद इन दोनों लाइन्स को हम मिला लेंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना के। और अभी हमें चेस्ट मार्क करना है। तो यहाँ से देखिए, 1 इंच पे हम एक और मार्क करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए होगा और इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 1/4 लेना है। तो ये मैं 36 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैं 9 इंच लूँगी 1/4 में। और इसके बाद जो भी हमारा कपड़ा यहाँ बच रहा है, लगभग 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 11 इंच लिया हुआ है। और इसके बाद आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे यहाँ पे और इसके बाद हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो ये हमारा बैक के लिए होगा और ये दूसरा हमारा फ्रंट के लिए होगा इस तरह से। और इसके बाद हम नेक मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ, यहाँ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद नेक डीप की मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप बैक पार्ट के लिए मैं 2.5 इंच लूँगी, यहाँ पे मैंने 2.5 पे मार्क किया और फ्रंट के लिए मैं 5 इंच ले रही हूँ। और फ्रंट पार्ट में हमें वी नेक शेप देनी है और बैक के पार्ट में हम राउंड शेप देंगे। तो ये बैक का पार्ट हो गया, इसमें हमें राउंड शेप देना है और फ्रंट के पार्ट में हम वी नेक की शेप देंगे। तो अभी इसकी मार्किंग हम बाद में कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट बैक का पार्ट कट करने के बाद। और इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए वेस्ट का 1/4 लेना है। तो वेस्ट का 1/4 मेरा यहाँ 7.5 इंच है, ये मैंने मार्क किया और इसमें फिर हम लगभग 1.5 का मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल मैंने 9 इंच ले लिया है और इसके बाद नीचे से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम शोल्डर पे 1/2 इंच ड्रॉप करेंगे। तो मार्किंग हो गई, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक का आर्म होल कट करेंगे। तो बैक की कटिंग हो चुकी है, अभी हम इसमें से एक पार्ट अलग कर लेंगे। तो ये ऊपर का पार्ट हमारा बैक का है और नीचे का पार्ट हमारा फ्रंट का है। ऊपर का पार्ट हम हटा देते हैं और अभी फ्रंट आर्म होल में हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से
और इसके बाद हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें वी नेक की शेप देनी है, तो यहाँ पे नेक डीप हम मार्क कर लेंगे। तो वो मेरा 5 इंच है, तो हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से क्रॉस में इसे शेप देंगे। और इसे कट कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हो गई है, अब सेंटर से भी इसे कट कर लेंगे। और इसके बाद आर्म होल की भी कटिंग करनी है। तो हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है और इसके बाद हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बॉटम के लिए देखिए, मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लिया है। ये 2 फोल्ड है, ये इसकी अर्ज है, इसे मैंने लेंथ में 2 फोल्ड किया है। तो विड्थ इसकी यहाँ 43.5 इंच है, ये विड्थ है कपड़े की। और लेंथ के लिए 14.5 इंच हमने टॉप का पार्ट लिया है, तो उसको हम ऊपर की साइड छोड़ देंगे 14.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे लेंथ मार्क कर लेंगे। तो ये टोटल जो है वो 48 इंच आ रहा है, तो ये बनने के बाद लगभग 46 इंच या 46.5 इंच का रेडी होगा। तो मैं पूरा ले रही हूँ लेंथ के लिए। अब ऊपर की साइड कपड़ा हमारा बंद है, तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे, फ्रंट और बैक के लिए। इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अब देखिए ये 2 पार्ट्स में है। तो बॉटम के लिए हमें बस इतनी ही कटिंग करनी थी, अभी हम इसे साइड में रखेंगे। और अभी हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। विड्थ इसकी मैंने 8.5 इंच ली है, जितनी भी आर्म होल कट की थी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और लेंथ इसकी आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे एक लाइन खींच के, और इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ जो तैयार लेंथ है वो मुझे 13 इंच चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन जो सिलाई में जाएगा। तो मैंने 15 इंच मार्क किया है, यहाँ भी हम 15 इंच मार्क कर लेंगे। अब नीचे की साइड से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और ऊपर से हमें इसे स्लीव की शेप देनी है इस तरह से। और यहाँ पर हम स्लीव राउंड का निशान लगाएंगे, तो मैं यहाँ 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरह से लाइन खींच कर इसे मिला लेंगे। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। अभी हम इसे खोल लेंगे और जो फ्रंट पार्ट की स्लीव होगी उसमें हम 1/2 इंच की गहराई देते हैं। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से 1/2 इंच और इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव की कटिंग भी हमने कर ली है इस तरह से, और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले टॉप का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट रेडी करते हैं। तो मैंने सीधी साइड से रखा है फ्रंट पार्ट को, और अभी मैंने ये 2 स्ट्रिप्स ले ली हैं, ये लगभग 1.25 इंच की मैंने स्ट्रिप्स ली हैं। इस तरह से रखना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है, ऊपर से लेके नीचे तक हम इसे सिलाई लगा के इसमें अटैच कर लेंगे। और इसके बाद स्ट्रिप को हम इस तरह से अंदर की साइड टर्न करेंगे, तो इस तरह से हम दबा लेंगे और अंदर की साइड 2 बार फोल्ड करते हुए बिल्कुल अंदर की साइड स्ट्रिप को रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे।
दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्ट्रिप को दो बार अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और बिल्कुल अंदर की साइड रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड, और अभी मैंने ये स्ट्रिप ले ली है, लगभग 2.5 इंच विड्थ है इसकी, और इसे टू फोल्ड करते हुए नीचे की साइड रखेंगे और इस तरह से लेफ़्ट साइड को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। उसके बाद राइट साइड के पार्ट को भी बिल्कुल बराबर से इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है, और इसके बाद मैंने ये नेक की शेप की स्ट्रिप कट कर ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे सीधी साइड से और सिलाई लगाएंगे नेक के शेप में, और नेक के शेप में इसमें सिलाई लगाएंगे। और ये मैंने बैक का पार्ट ले लिया है, और बैक पार्ट के लिए भी नेक के शेप की मैंने स्ट्रिप कट कर ली है, इसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के स्ट्रिप्स अटैच कर ली हैं, और अभी हम इसमें कट्स बनाएंगे, छोटे छोटे कट्स बनाएंगे इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों पीसेज में हमें स्ट्रिप्स में कट्स बनाने हैं। इसके बाद हम स्ट्रिप को अंदर की साइड टर्न कर लेंगे, इस तरह से स्ट्रिप को अंदर की साइड टर्न करना है। तो देखिए मैंने टर्न कर लिया है, अभी हम फ्रंट साइड में एक टॉप स्टिच लगाएंगे और स्ट्रिप को इस तरह से एक बार अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें तिरपाई कर लेंगे और बैक साइड की स्ट्रिप को सिलाई लगा के अंदर अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक तैयार कर ली है, और इसके बाद हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हम बटन्स अटैच कर लेंगे, तो अभी हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो दोनों सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, इस तरह से सीधी साइड दोनों अंदर की साइड रखेंगे और शोल्डर बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है शोल्डर में, और अभी हम स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से सीधी साइड से रखेंगे खोल के टॉप पार्ट को, और स्लीव में देखिए नीचे की साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी सेंटर में हम एक कट बनाएंगे इस तरह से, और फ्रंट साइड की जो स्लीव है वो हम फ्रंट साइड में अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखना है हमें, और इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है, दोनों सेंटर मिला के रखना है और इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने स्लीव अटैच कर ली है, और इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसे उल्टे साइड से रख लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। स्लीव राउंड का और यहाँ पे चेस्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो सेंटर से 9 इंच एक साइड और दूसरे साइड भी 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम वेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड, और इन पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से दोनों साइड से। यहाँ पे भी हम स्लीव राउंड की मार्किंग कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे निशान पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, और इसके बाद हमें बॉटम तैयार करना है। तो ये बॉटम के दो पीसेज हैं जो हमने कट किए थे, इसमें ऊपर की साइड हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है बड़े नंबर की दोनों पार्ट्स में। उसके बाद हम इसकी गैदरिंग बना लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है बड़े नंबर की, और इसके बाद एक धागे को पकड़ के इसे खींचते हुए हम इसकी गैदरिंग तैयार करेंगे इस तरह से। हल्के हाथों से इसे खींचते हुए हम इसकी गैदरिंग बना लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से इसकी गैदरिंग बना लेंगे। तो देखिए मैंने
दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना ली है और अभी हम इसे अटैच करेंगे। तो ये जो कुर्ती है वो हमें फ्रंट साइड से ओपन रखनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का साइड तैयार करेंगे। तो दोनों सीधी साइड हम अंदर रखेंगे और यहाँ से लगभग इस तरह से एक साइड से हमें लगभग 1.5 इंच तक सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए, लगभग 1 इंच कपड़ा साइड में छोड़ते हुए हम 1.5 इंच तक इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से जैसे हम स्लेट बनाते हैं उसी तरह ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, हम पक्की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद जैसे हम स्लेट तैयार करते हैं उसी तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक हमें कपड़े को इस तरह से दो बार फोल्ड कर देना है बिल्कुल सीधा, और इसी तरह से नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की स्लेट हो जाएगी। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम अंदर फोल्ड करेंगे, कपड़े को दो बार फोल्ड करते हुए ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लिट बन गई फ्रंट की। और यहाँ से देखिए पूरा हमें ऊपर से लेके नीचे तक जॉइंट करना है। सीधी साइड हमने अंदर रखी है और दोनों एजेस पकड़ते हुए दोनों पार्ट्स के ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, अब ये हमारी फ्रंट में आएगी और ये जो दूसरी सिलाई है वो हमारी बैक में जाएगी। तो ये सिलाई हमारी साइड में इसमें नहीं आएगी, ये फ्रंट और बैक में आएगी। तो अभी हम इसे अटैच कर लेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो सेंटर में हम एक कट बना देते हैं, बैक साइड में भी इस तरह से। और यहाँ से सेंटर मिलाते हुए हमें इसमें अटैच करना है। फ्रंट का पार्ट फ्रंट के साथ अटैच करना है और बैक का पार्ट बैक के साथ हमें अटैच करना है। तो इस तरह से देखिए दोनों यहाँ पे सिलाई मिलाते हुए इस तरह से मिला के रखेंगे। यहाँ हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं और इसी तरह से बैक को भी बैक के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए हम बैक को बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे जो बैक में हमारी सिलाई आई है। और इसके बाद इस तरह से बराबर से पकड़ते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। तो जो गैदरिंग है उसको हम वेस्ट के अनुसार ही एडजस्ट कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, टॉप और बॉटम को ज्वाइंट कर लिया है और नीचे से भी इसे फोल्ड कर लिया है। हमारी कुर्ती बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।